नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। महज कुछ ही दिन के बाद दिवाली का पर्व आने वाला है। हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो इस पर्व में, दिवाली के पर्व में, खास तौर पर एक दिन पहले छोटी दिवाली को धनतेरस के दिन सोना खरीदने का खास महत्व बताया जाता है। लोग इस दिन भारी मात्रा में सड़कों पर उतरते हैं और दुकानों में जाकर सोना और चांदी खरीदते हैं, जिसे शुभ भी कहा जाता है। वैसे तो पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के चलते इन दुकानदारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं इस साल जैसे ही कोरोना गाइडलाइंस में प्रशासन की ओर से थोड़ी सी रियायत बरती गई, लोग इस सोना मार्केट में उमड़ पड़े और आकर अपनी खरीदारी कर रहे हैं। नहीं, अभी 2020 का जो धनतेरस रहा, बिल्कुल ही हम लोग का फिका रहा। अभी आज धनतेरस में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ठीक रहेगा हमारा। फिर भी लोगों का क्रय शक्ति थोड़ा पहले से घटा है। आप देख रहे हैं कोरोना में काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, तो लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, जैसे दशहरा में अचानक से नवमी की दिन उछाल आ गया था, लोग सड़क पे लोग निकले, उस तरह उम्मीद है कि धनतेरस में लोग निकलेंगे और मार्केट हमारा अच्छा होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो आप उम्मीद लगा रहे हैं कि इस साल आपकी, मतलब 2 साल से ज़्यादा, इस साल थोड़ी ज़्यादा बिक्री होगी। तो क्या लोग आ रहे हैं सामानों की प्री बुकिंग करके जा रहे हैं और ऐसा कुछ देखने को मिला है ग्राहकों के बीच? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जो हमारा रेगुलर ग्राहक हैं उसमें से कुछ लोग आ रहे हैं, अपना कुछ सामान का बुकिंग वगैरह कराए हैं। लेकिन उम्मीद है कि पिछले बार तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस बार मार्केट रहेगा और उसी हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस साल आपने क्या विशेष तैयारी की है, किस तरीके के डिमांड्स हो रहे हैं इस साल सोने चांदी के आइटम्स में? 2 साल तो क्योंकि बिल्कुल खाली गया, तो इस साल कुछ डिमांड्स आ रहे हैं आपके कस्टमर्स की तरफ से? विशेष रूप से जिनके यहाँ शादी तय है, वो अपने शादी ब्याह के हिसाब से, लगन के हिसाब से कुछ जेवर का ऑर्डर वगैरह हम लोग को मिल रहा है।